शेख साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? पैसा। वाह, क्या बात है शेख साहब। अगला सवाल मेरा यह है कि आपको अपने बच्चों से क्या उम्मीद है? पैसा। बहुत खूब शेख साहब, हर एक जिंदगी में एक मोहब्बत होती है, आपकी मोहब्बत कौन है? पैसा। शेख साहब, थोड़ी देर पैसे को जरा साइड में रख देते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ खोजता है, आप जिंदगी से क्या खोजते हैं? वो पैसा जो तुम साइड में रखा। सोल वर्सेस टीम एक्सपाक की जो फाइट है वो होने वाली है। ओमेगा जस्ट 1 HP पे सरवाइव कर रहे थे अल्ट्रॉन UMP का एक बढ़िया शॉट। ओमेगा यहाँ पे डाउन किए गए, सोल का एक प्लेयर ऑलरेडी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुका था। अब मात्र केवल दो प्लेयर के साथ खेलते हुए आपको दिखाई देंगे, गॉबलिन एंड उनके साथ ओके अभी भी सोल के 3 प्लेयर मौजूद रहेंगे। एक सिंगल प्लेयर जो है ओमेगा वो डाउन है, बाकी के 3 प्लेयर अभी भी सरवाइव करेंगे, अक्षत, गॉबलिन एंड हेक्टर। चलिए, ओमेगा ज्यादा देर तक नहीं बच पाएंगे, मावी के हाथों डाउन किए गए। बट गॉबलिन की बात करें, अभी भी आप देखें टीम एक्सपाक वहीं पे सोल सब अभी भी जोन के बाहर है। ट्रू रिपर के जो रिवर्स थे वो प्ले जोन के बाहर डाउन हो गए। फ्लिक की बात करें वो भी प्ले जोन के डाउन हो गए। मोस्ट प्रोबेबली इसी के साथ ट्रू रिपर की जो स्क्वाड थी वो प्ले जोन के बाहर है। सर्कल के अंदर एंट्री लेना चाहेंगे, आगे बढ़ेंगे और वहां पर इनका सामना हो सकता है टीम एनिग्मा फॉरएवर के साथ। आई थिंक वहां पे कनेक्शंस बहुत बढ़िया आएंगे। लेकिन लीजिए, जैसा बोला था कि TX आपको जरूर स्प्रे देती दिखने वाली है। फाइट हो चुकी है, अल्ट्रॉन सेंसे को डाउन करने में सक्षम होंगे। फियोस की तरफ से एक इंस्टेंट ट्रेड आएगा, अल्ट्रॉन को पिकअप। फियोस यहां पर स्काउट को भी डाउन कर देंगे एंड फिनिश भी सिक्योर कर देंगे। एक्सो, they are on fire now। बिल्कुल, बट स्नैक्स को आप देखें, उन्होंने अल्ट्रॉन को भी खत्म कर दिया, टेम्पेस्ट वो भी यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। 10 टीमें मात्र बचेंगे, 31 टोटल प्लेयर सर्वाइव करते हुए दिखाई देंगे दूसरे सेट पर। मैक्स प्लेयर इस मैच में अगर एक्सो विनर चिकन डिनर निकाल के जा रही है, बहुत ज्यादा लीड उनके नाम आने वाला। बट ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के पास पूरा पूरा सर्कल दिल दे चुका है यहाँ पे ग्लोबल। He's having a good angle, connection जून सकते हैं। सेंसी सर्कल के बाहर है, एज टू एज गेम पे दिखा रहे हैं यहाँ पे एक्सो, और लीजिए एज के थ्रू मूव करके अंदर आ जाएंगे। लेकिन फंक का वो एंगल वो बहुत मेजर रहने वाला है। पहली इसमें जाएगी, एक प्लेयर को टेकआउट करेंगे, सेकंड इसमें दो प्लेयर्स को टेकआउट, स्काउट के ऊपर भी कनेक्शन ढूंढेंगे, 3 प्लेयर्स एक के बाद एक लगातार डाउन करके कंफर्मेशन निकालेंगे। बट अ प्लेयर इज जस्ट सेटिंग देयर, क्या उस आखिरी प्लेयर को कंफर्म करके, इट कुड बी अ क्लीन 1v4। लेकिन 420 उन्हें पता है कि ऊपर एक प्लेयर बैठा है जो कि स्प्रेस कनेक्ट कर रहा है। बस देखना यह है कि ग्रेनेड ठिकाने पे गिरेगा या फिर नहीं। FS के स्क्वाड ज्यादा मुश्किलों में पड़ रही है, सेंटर पे वो आई जरूर है, बट यहाँ पे K47 की बात के खत्म हो गए। मैडमैन वो भी स्नैक्स के हाथों खत्म किए जाएंगे। 420 OP वहाँ पे जा रहे बचाने के लिए, गलत मूव हो जरूर सकता है। ग्रेट जस्ट उनके पीछे लैंड करा था। पंक की बात करें, अपने आप को हील करेंगे, बट अभी भी आप देखें स्काउट को वो रिवाइव कर रहे हैं। एक और ग्रेनेड और पूरी तरीके से टीम एक्सपाक की जो स्क्वाड है वो एलिमिनेट होते हुए आपको दिखाई देगी। सेंसे की बात कही जाएगा, अच्छा मॉली जूसी के ऊपर, वो मॉली गया जरूर है, क्या उनको डैमेज देगा या नहीं? जी बिल्कुल, बहुत डैमेज होगा। एक और बढ़िया ग्रेनेड जाता हुआ, मोस्ट प्रोबेबली ये वाला ग्रेनेड पड़ेगा और जूसी वहां पे आपको डाउन होते हुए दिखाई देंगे। 1 HP पे मात्र वो सर्वाइव कर रहे थे, बट अपने आप को बचाने में कामयाबी उन्होंने हासिल करी। बट सेंसे सीधा अंदर जाते हुए जूसी को डाउन किया, 8-bit स्क्वाड 8वें पायदान पे इसी के साथ एलिमिनेट होते हुए। बट आप देखें टीम एक्सपाक उनके अभी भी 3 प्लेयर यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। आप देखें जिस तरीके से 420 ने वहां पे रिवाइव किया अपने प्लेयर को, पंख देखते रह गए, बट तीनों प्लेयर टीम एक्सपाक के इस वक्त अभी भी सरवाइव करते हुए। 420 OP ने जीवन दान दे दिया टीम को, वापस से टीम अपने घुटनों से अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है। लेकिन पंक वहीं तैनात है, वो वेट कर रहे हैं वापस से उसी सेम सिचुएशन का कि जब प्लेयर्स बाहर आए उनको टेक डाउन करें। ट्रू रिपर के तरफ से यहां पे एनिग्मा गैलेक्सी को भी डाउन किया जाएगा। लीजिए, पंक वापस आ चुके हैं अपनी ड्यूटी के ऊपर, वो वापस आ चुके हैं कनेक्शन जोड़ने, बहुत ज्यादा कम एचपी छोड़ी, इज बेयरली ब्रीदिंग। अल्ट्रॉन के ऊपर एक और बुलेट का कनेक्शन अगर आता, दे आर अनस्टॉपेबल। ओपन में आपको देखेगी टीम FS, उनको भी फिनिश किया जाएगा, उनका भी कंफर्मेशन निकाला जाएगा। 4 टीमें बची हैं बस मेजी यहां पे, अब जो मजा है वो बहुत ज्यादा आएगा। टीम में है मोस्ट वन जिनके तरफ से यहां पे FS को कंफर्म किया गया था, टॉप 4 टीम्स जो अपना नाम ये सब रजिस्टर कर चुके हैं। टीम एक्सपाक और डिप्रेस बाय द गेम प्ले, सर्वाइवल बहुत अच्छा था, फुल ऑन मार्क्स मिलेंगे इस चीज के लिए। लेकिन लीजिए यहां पर अब प्लेयर जो कि आगे बढ़ेंगे उनको डाउन किया जाएगा, सेंसे को डाउन किया जाएगा। पंक ने बहुत मुसीबतें दी थी इस टीम को, बदला निकालने का मौका आ चुका है। लेकिन क्या सर्कल फेवर कर रहा है आपको? जवाब है नहीं, क्योंकि सर्कल आपको बिल्कुल फेवर नहीं कर रहा है। अब दिक्कतें आपके लिए बहुत बढ़ने वाली हैं। ट्रू रिपर विनर विनर चिकन डिनर के बहुत ज्यादा करीब, तीनों प्लेयर तीनों सर्कल के अंदर, बाकी सारी टीम को सर्कल के अंदर निकलना पड़ेगा। स्नैक्स अभी भी कोशिश कर रहे हैं, सर्कल के अंदर आ चुकी है जी, और मुझे लगता है कि एक्सो की स्क्वाड ने ऑडियंस की बात को बहुत ज्यादा सीरियस ले लिया और वो कहा करते थे कि काम करके एक्सो आगे जा रही है। उन्होंने कहा चलिए अब 10 फिनिशर्स के नीचे हम तो बात ही नहीं कर रहे।
पहले गेम के अंदर जो देखा था वो था 20 रन गेम, लेकिन अभी देखिए 2 प्लस को डाउन किया जाएगा। टीम है वो भी वेट नहीं करने वाली है, कनेक्शंस ढूंढ रही है, एक्सो के सेंस है वो यहां पर बहुत बढ़िया तरीके से आपको रिटेलिएट कराते दिखेंगे, प्लेयर्स को धीरे करके पीछे लाते दिखेंगे और कनेक्शंस भी ढूंढते जा रहे हैं। और लीजिए सेंसेई द मैन, 4 फिनिशर्स इस गेम के अंदर भी निकाल चुके हैं। असॉल्टिंग भी ऑन पॉइंट है एफपीएस की तरफ से, स्काउट भी को डाउन किया जाएगा। 3 टीमें आपको यहां पे दिखने वाली है। एक्सपा का कंफर्मेशन एक्सो के, ये डिफेंड इतने भाई तो देखो मारेंगे चल लेंगे एक ही है क्या? हाँ एक ही है। पीछे बगी गई, पीछे बगी है उसके, जल्दी बगी। आई अल्ट्रॉन थोड़ा, थोड़ा फ्रंट पे अल्ट्रॉन, जल्दी आप आज लेते थोड़ा फाइट। ट्रक में 1 एचपी, ट्रक 1 एचपी है, उतर गया, उतर गया तुम्हारे आगे, उतर है, मारो यहाँ पे, यहाँ पे। बाकी कहाँ है? यहाँ पे मारो, घुस रहा हूँ यहाँ पे बैठा है, घुस रहा हूँ। कहाँ से मार दिया? ओजी ओजी मैंने मार दिया। आजा इधर है ले लो साथ में, ये ओपन ओपन रिच, लेफ्ट में लेफ्ट में लेफ्ट में, इधर एक है पीछे ऐसे रहो। ओपन रिच तुम्हारा, मेरे बीच वाले रिच के ऊपर खड़ा ओपन में, ये रहा ऊपर भी है पाजी, सैंडविच कर रहा है, बोल रहा हूं आप पीछे वाले को मारना। सोलो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर पे आया, बॉल दे रहा मैं, ट्रैक्टर पे आया, यहां पे आ गया। हां बग्गी के बाजू में, राइट गया, राइट गया, राइट गया, वॉच आउट, तुम किसको मार रहे हो? अरे मारा कम कर रहा है, बग्गी आगे पीछे है, इसी इसी का बोल रहा हूं, इस पत्थर पे ही बैठा है, रेड कर रहा है, तीन बंदे यार, कैसे नॉक होता है तीन बंदों में? अबे तू यार उल्टा कर देता है, अरे भाई तेरे साथ ही है, उल्टा कर देता है, हर फाइट को उल्टा बना देता है। जाके देख भी मेरी गाड़ी फटी हुई है वहाँ पे, हाँ फटी हुई। बहन चोद नौकनी नौकनी रहे देख के, मैं मर जाऊँ, मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया, गटका बोला ना तेरे मादर चोद, क्यों लग रुकता है? मैं गटका गटका से मर गया। अरे गटका से तो पड़ेगा ना, बट क्यों रुक रहा है उधर? बच गया, बच गया क्या? हाँ बच गया, मेरे पे बगी लेके आया बंदा, किधर आया? मेरे पे मावी के ऊपर, मावी के ऊपर पेड़ पे, मावी गिरा, निकल रहा है यार, कट कॉल मार देगा ना, इधर आ जा, इधर साइड बग गया, इधर साइड कम आ, हां मारो इसको, मारो मावी तेरे पीछे, नहीं पीछे नहीं, इधर ही आ रहा है, इसको मार रहा है एक बंदा, ओके आ जा बाजू में लोग, प्रो जा बड़ी पीछे से लोग, पीछे से मैं भी लूंगा, मैंने कोई ना मार दोगे, अलग ही है, इनसेन है यहाँ पे, इनसेन है यहाँ पे, मेरे रिश पे आगे बैठे हुए, पुश कर रहा है, बढ़िया ये लाइन बंदा है, पता है सब, क्यों खड़ा है, क्यों खड़ा है इधर?